वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक बैटरी बना के दिखाऊंगा। ये जो बैटरी होगी, ये होगी 12 वोल्ट और 14 एम्पियर की। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है BMS, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 20 एम्पियर का BMS जो कि होगा 3S में। और इसके अंदर जो 21 सेल का यूज़ किया जाएगा, जो 7 सेल को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे और 3 सेल का बनाएंगे इसके अंदर सीरीज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14 एम्पियर और 12 वोल्ट। पूरा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से कनेक्शन करने है, कौन सी निकल स्ट्रिप यहाँ पे लगाई है, BMS और हीट सिंक स्लिप वगैरह सारे कुछ इस पर फिट करके दिखाऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप भी इस टाइप की कोई बैटरी बनवाना चाहते हो, कितने भी एम्पियर में वो बन जाएगी, मैक्सिमम 40 एम्पियर तक हम बैटरी आपको बना के दे देते हैं, फ्री कस्टमाइज होती है। उसके लिए आपको पहले ही एडवांस पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपकी बैटरी बनाना स्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स वगैरह मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, साथ ही मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई भी बैटरी अपनी कस्टमाइज बनवा सकते हो। साथ ही हम पूरी वीडियो के थ्रू आपको दिखाते हैं एज आ प्रूफ कि इसमें कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से सेल इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सा BMS लग रहा है, निकल स्ट्रिप कैसी लगाई जा रही है, किस तरीके से ये बैटरी बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है लिथियम बैटरीज की, जो कि होगी 18650 मॉडल की, और इसकी कैपेसिटी होगी 2000 mAh। साथ ही फ्रेंड्स, इसी मॉडल का हमें एक चाहिए BMS, जो कि होगा 12 वोल्ट 3S और 20 एम्पियर। यहाँ पे मैं निकल स्ट्रिप यूज़ करूँगा 8 mm की। इसमें 6 mm भी आती है, लेकिन मैं हैवी वाली 8 mm निकल स्ट्रिप यूज़ करूँगा। बैटरी को सेप देने के लिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से पैक करने के लिए मैं हीट सिंक स्लीप का यूज़ करूँगा, जो कि 170 mm की होगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रॉ मटेरियल हो गया, और यहाँ पे स्पेसर भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें स्पेसर को जोड़ के एक बेस बनाना होगा, और स्पेसर में कुछ इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, इसको आपस में आप ईजिली इस टाइप से जोड़ सकते हो, अगर आप खुद घर पर बैटरी बना रहे हो तो। ठीक, तो यहाँ पर जो हम स्पेसर फ्रेंड्स कनेक्ट करेंगे वो 7x3, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो 2000 mAh की है, तो हम जब 7 बैटरी को पैरेलल करेंगे तो हमारा जो है 14 एम्पियर बन जाएगा, और 3 बैटरी को सीरीज करने पे हमारा 12 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं उसी टाइप से बैटरी फिक्स कर देता हूँ। पहले मैंने ये बेस बना ली है, और उसके बाद यहाँ पर मैं बैटरी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 बैटरी का पॉजिटिव किस टाइप से रखना है आपको। 7 बैटरी का पॉजिटिव मैंने ऊपर रखा है, फिर 7 का नीचे, और फिर 7 का ऊपर पॉजिटिव। तो इससे जो हमें पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हम पैरेलल पैरेलल एक पास कर देंगे और फिर बाद में इनका सीरीज बना देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं सोल्डरिंग करूँगा, सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो इस पे बैटरी पे, क्योंकि ये जो बैटरी होती है आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा है कैमरा, क्योंकि फ्लैश ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको रब करूँगा, तब आपको दिखाऊँगा। और ये जो बैटरी है ना, इसको आपको जब रब कर लेना है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी शोल्डरिंग है वो प्रॉपर तरीके से इस पर चिपक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने स्टोन रोटरी की मदद से दोनों साइड को इसको रब कर दिया, और वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिक्विड पेस्ट लगा रहा हूँ, ये शोल्डरिंग पेस्ट ही है जो कि लिक्विड टाइप में है, इससे शोल्डरिंग बहुत अच्छी आएगी। और अब मैं पहले इसके ऊपर शोल्डरिंग करूँगा थोड़ी थोड़ी बैटरी के ऊपर, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। ठीक, ऊपर नीचे दोनों साइड में करूँगा, टोटल जितने भी ये पॉइंट्स हैं दोनों साइड मैंने इस पर शोल्डरिंग कर लिया। अब इसके ऊपर मैं निकल स्ट्रिप फिट करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये निकल स्ट्रिप हो गई। अब फ्रेंड्स, मैं पहले निकल स्ट्रिप पर थोड़ी सी शोल्डरिंग और करूँगा, और इसको बैटरी के ऊपर रख के गर्म कर दूंगा। इससे क्या होगा कि बैटरी और निकल स्ट्रिप के बीच में जो हमने शोल्डर लगाया है वो एक दूसरे से मेल्ट होकर चिपक जाएगा, और एक बहुत अच्छा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पे उठा के भी दिखा दूंगा, मतलब 14 एम्पियर की बैटरी है, इसको मैं निकल स्ट्रिप के द्वारा ही मैंने इसको पूरा उठा दिया है, ये आप देख सकते हो। तो बिल्कुल भी कोई शोल्डरिंग यहाँ पर नहीं हट रही, इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर ये चिपका है, और हमें हीट और शोल्डर भी बहुत कम लगाना पड़ा है। थोड़ी सी हीट दो, थोड़ा सा शोल्डर वायर लगाओ आप स्ट्रिप के साथ, तो आपकी बैटरी को बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं जाएगी, जिससे बैटरी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप बैटरी को बहुत देर तक गर्म करोगे, शोल्डर आप सही से नहीं करोगे, तो बैटरी की जो लाइफ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं उसी ट्रिक से आपको बार बार शोल्डरिंग करके दिखा रहा हूँ, साथ ही इसको खींच खींच के भी दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही।
उसी तरीके से मैं जितनी भी ये निकल स्ट्रिप है इनको मैं कनेक्ट कर लूँगा, और ये बैटरी फुली पैरेलल कनेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो फुली ये बैटरी पैरेलली कनेक्ट है। अब हमें इसके साथ सीरीज कनेक्शंस करने होंगे, तो एक बैटरी का नेगेटिव हमें छोड़ देना है, या तो मैंने ब्लैक टेप लगा लिया, ये नेगेटिव हो गया हमारा आउटपुट के लिए। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है, मतलब एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का नेगेटिव। जब हम ऐसा करेंगे तो इजीली हमारे पैरेलल कनेक्शन जो है कम्प्लीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेप से निकल स्ट्रिप कर रहा हूँ छोटे छोटे पीस, और जब कि सारे एक ही पास लग रहे हैं तो मैं एक ही साइज़ के कट कर दे रहा हूँ यहाँ पर मेजर करके, और मैं अब इसे शोल्डर करूँगा। शोल्डर आपको अच्छी तरीके से ही करना है, क्योंकि जो बैटरी का लोड होगा वो इसी ही निकल स्ट्रिप पे आएगा। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, मैं यहाँ पर 4 से 5 जगह जो है निकल स्ट्रिप लगाऊंगा, जिससे अपना जो एम्पायर जो लोड होगा बैटरी का वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हीट का कोई चांस ही नहीं बनेगा कि बैटरी लोड ज़्यादा डालेंगे तो हीट हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लूज सोल्डिंग नहीं करनी, और कम से कम 4 जगह 10 बार या इसको निकल स्ट्रिप भी बोल दें इसको कनेक्ट करना है सीरीज कनेक्शन के टाइम। तो लोड जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बिल्कुल भी यहाँ पे हीटिंग की हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हीटिंग आती है फ्रेंड्स लोड और या तो स्पार्क से, या तो लोड आपका ज़्यादा है या स्पार्क है। आपका लोड ज़्यादा है और आपने जो स्ट्रिप कम लगाई हुई है तो हीट हो जाएगी एक स्ट्रिप या स्पार्क की वजह से। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर सोल्डिंग करनी है और 3 से 4 जगह आपको प्रॉपरली कनेक्ट करना है सीरीज कनेक्शन को। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपनी जो बैटरी है फुली सीरीज में आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव साइड पर वोल्ट मीटर लगा के दिखाऊंगा नेगेटिव, और दूसरी साइड पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रॉक्स 12 वोल्ट बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये फुल चार्ज नहीं है, चार्ज हमें इसको देनी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीमीटर गड़बड़ कर रहा है, मैं फिर से चेक करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली बैटरी का जो वोल्टेज आ रहा है 3.97 आ रहा है, ठीक। और अब दूसरी बैटरी का हम चेक कर रहे हैं, अभी हम पूरी बैटरी का नहीं चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 7 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 7.95। और अब हम फाइनल वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि अब हमारी जो तीसरी बैटरी है ये भी कनेक्शन में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा टोटल वोल्टेज बन के आ गया 10.91। तो इस टाइप से हमारी बैटरी कंप्लीट है। जैसे ही हम इसको फुल चार्ज करेंगे तो ये 12 वोल्ट पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक 20 एम्पियर का BMS फिट कर देता हूँ और उसके बाद कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर कॉपर के अच्छे क्वालिटी के वायर यूज़ करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा मतलब 0 वोल्ट और 12 वोल्ट, वहाँ पे आपको हैवी वायर यूज़ करना है। बाकी आप नॉर्मल वायर यूज कर सकते हो 3.7 वोल्ट और 7.8 वोल्ट पे, क्योंकि वो सिर्फ वोल्ट सेंसिंग के लिए होंगे। लेकिन 0 वोल्ट और 12 वोल्ट मेन वायर होंगे, इन्हीं वायर्स के ऊपर सारा लोड रहेगा बैटरी का, ठीक है। बाकी जो 2 वायर होंगे आप वहाँ पे नॉर्मली कोई वायर यूज कर लेना हल्का सा भी, क्योंकि वो सिर्फ वोल्ट सेंसिंग के लिए होते हैं अपनी बैटरी को मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेनबो वायर होता है उसी के वायर से यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। ये भी कॉपर के ही होते हैं, इनका भी शोल्डिंग चढ़ा होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वायर होते हैं। तो ये इस सिग्नलिंग के टाइम में बहुत अच्छा वर्क करेंगे और यहाँ पर हैवी वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो 0 वोल्ट और 12 वोल्ट है वहाँ पर मैं कॉपर के ही वायर लगाऊँगा, तो इससे बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भी इसी टाइप से बना सकते हो घर पर बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं होती लिथियम बैटरी बनाना। बस ग्रेडिंग की दिक्कत आती है और बैटरी का IR टेस्ट जरूर करके बनाना, वरना बैटरी जो है आपका बैकअप नहीं देगी। ग्रेडिंग और IR ज़रूर चेक करना तभी आप बैटरी बनाना, बाकी बहुत आसान काम है, मैं आपको वो वीडियो में दिखाई रहा हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 वायर लगा लूँगा, यही इनपुट होंगे और यही वायर आउटपुट के लिए होंगे। तो यहाँ पे हमारे वायर लग चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं बैटरी को इंसुलेशन देने के लिए बहुत भाई यहाँ पे डायरेक्ट जो है स्लीव चढ़ा देते हैं, हीट श्रिंक स्लिंक में डायरेक्ट नहीं चढ़ाता हूँ मैं, कार्डबोर्ड लगा देता हूँ या अपॉक्सीट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल अपॉक्सीट नहीं है तो मैं कार्डबोर्ड लगा देता हूँ, कार्डबोर्ड भी अच्छा काम करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमें इंसुलेशन मजबूत रहे या बैटरी के किसी कॉर्नर से जो हमारी हीट श्रिंक फट ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट केस होता है। बाकी अगर आप चाहो तो हार्ड केस में भी बना सकते हो, प्लास्टिक की हार्ड बॉडी में इसको पैक कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट स्लीव मत चढ़ाना इसके ऊपर, क्योंकि बैटरी का कोई कॉर्नर या स्पेसर का कोई कॉर्नर स्लीव को फाड़ सकता है, जिससे आपका इंसुलेशन हट जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मल टेप यूज़ मत करना यहाँ पे, या तो पेपर टेप या थ्रेड टेप, ये धागे वाली टेप होती है बहुत ज़्यादा मजबूत, इस टाइप की टेप ही यूज़ करना।
और या आप पेपर टाइप यूज़ कर सकते हो जो कि मेडिकल वगैरह में यूज़ होती है, डॉक्टर वगैरह जिसको यूज़ करते हैं। तो उस टाइप से मैंने बैटरी को पहले एक टेम्परेरी इंसुलेशन दिया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हैवी इंसुलेशन के लिए हीट सिंक पहले बैक साइड से चढ़ा रहा हूँ और फिर उसके बाद ऊपर से चढ़ाऊँगा। बहुत भाई स्लिंग का साइज़ पूछते हैं कि भैया कौन सा साइज़ आएगा, तो 12 वोल्ट 12 एम्पियर, 12 वोल्ट 14 एम्पियर के लिए तो फ्रेंड्स 170 mm अच्छा रहेगा। बाकी आप जितना बढ़ाते जाओगे बैटरी का साइज़ उसी हिसाब से आपको स्लीव का साइज़ है जो इस स्रिंक का वो भी बढ़ाना होगा। तो अगर 12 वोल्ट 12 एम्पियर या 14 एम्पियर बना रहे हो तो 170 mm की जो साइज़ की स्लीव इस पर फिट हो जाएगी। और बैटरी का जितना भी सामान होता है जैसे कि हीट सिंक स्लीव, हॉट एयर गन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो, तो हॉट एयर गन, स्पेसर, सेल, वायर, साथ ही टूल्स, ये सारे हमारे मार्ट पे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर लेना। मार्ट का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको हम बैटरी का रॉ मटेरियल और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे टूल्स और कॉम्पोनेंट भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हॉट एयर गन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको हमारे मार्ट पे हॉट एयर गन भी मिल जाएगी। तो आप इस टाइप से हॉट एयर गन से इसको गर्म करके और स्ट्रिंग को टाइट कर सकते हो, तो ये फुली टाइट हो जाएगी और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बैटरी कंप्लीट हो गई, अब मैं इसके आपको जो है वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको वायर को पहले कवर कर रखा था ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, अब मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे आपको जो है इसके वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने ये जो कुछ भी है, तो यहाँ पे 11.83 वोल्ट आ रहे हैं जो कि फुल चार्ज होने पर 12 वोल्ट होंगे। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कार की हेड लैम्प का बल्ब ले रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा करंट लेता है, तो इसको आप देख रहे हो कि ये फुल ग्लो करा रही है, बैटरी एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।